जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के इस प्रस्ताव को अन्य 72 देशों से भी भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। वैश्विक स्तर पर पोषक अनाजों जैसे बाजरा, कुटकी, सांवक, रागी, ज्वार इत्यादि के उत्पादन में भारत का 20% हिस्सा है। भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के भी सभी जिलों में पोषक अनाजों के प्रमुख स्वास्थ्य लाभों, उत्पादन एवं उपयोग के बारे में किसानों एवं उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। जिला रोहतक में भी 12 रोड शो, 35 सरकारी स्कूलों में जागरूकता शिविर, 2 प्रदर्शनी वाहन व प्रतिदिन समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि पोषक अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। अधिकांश पोषक अनाज स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन मुक्त होते हैं। पोषक अनाजों में गेहूं व मक्का की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। पोषक अनाजों में कैलोरी की मात्रा कम होती है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने व वनज को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। पोषक अनाज मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकते हैं जो शुगर को नियंत्रित रखते हैं। प्रमुख स्थानों जैसे अनाज मंडियों, सरकारी कार्यालयों व बस स्टैंड इत्यादि जगहों पर जहां प्रतिदिन आम जन मानस का आना जाना रहता है, वहां पर होल्डिंग व बैनर इत्यादि के माध्यम से पोषक अनाजों के प्रमुख स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं को भी, जो कि मोटे अनाजों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करके बिक्री करती हैं, उन्हें भी कौशल किया गया है। ऐसी ही एक प्रगतिशील महिला श्रीमती सुमन, गाँव मोखरा, खंड महम, जिला रोहतक भी इस कार्य में भरपूर सहयोग दे रही है और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आसपास के गांवों की अन्य महिलाएं भी उनका अनुसरण कर रही हैं। आइए सुनते हैं श्रीमती सुमन की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम सुमन है, गांव मदीना, जिला रोहतक, तहसील मैम। मैं ये अपना 2023 में मैंने अपना काम शुरू किया है, जो मतलब मैंने अपनी पहले खराबड़ आरसीटी से ट्रेनिंग ली थी। 7 दिन की ट्रेनिंग थी, हमारे गांव मदीना में ली थी। मैंने अपना ये बेकरी का काम स्टार्ट किया है। मैं उसमें अभी फिलहाल 6 बहनों को अपना काम दे रही हूँ। वो वहाँ सुबह आती हैं 8 बजे और शाम में 5 बजे तक करती है वो बहनें। और उसके बाद मैंने उस MSME डिपार्टमेंट से लोन लिया था, उसमें 35% सब्सिडी सरकार दे रही है। वो तो और बहनों को भी सब्सिडी देने के लिए और काम रोजगार बढ़ाने के लिए वो बहनों को और जागरूक कर रहे हैं। और हम NRLM के तहत ये अपने मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है हमें। मैं इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ और बहनों को मैं रोजगार देना चाहती हूँ। और इस सरकार का मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा रोजगार हमें, ऐसे काम करने के मौके मिले। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि मोटे अनाजों का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि ये सभी मोटे अनाज स्वास्थ्य वर्धक हैं और सुपाच्य हैं। धन्यवाद।